हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार, आई एम नॉट अ बिग सलमान खान फैन। मुझे उनकी मूवीज़ अच्छी लगती है, भाई का स्वैग अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी तरफदारी करूँगा, उनकी तारीफ करूँगा। लेकिन हाँ, अगर यूट्यूब में कोई घू करेगा, कोई ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाएगा, उनके इमोशंस के साथ खेलेगा और वाइल वॉचिंग हिज वीडियोज़, अगर आपको ऐसा फील हो कि यार ये तो अपनी पर्सनल कोई भड़ास निकाल रहा हो, सेंसलेस बातें कर रहा हो, तो उसके बारे में यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बुड़ऊ की। यार उनका नाम नहीं लूँगा वरना वो मेरे छोटे से चैनल को स्ट्राइक दे देंगे, और अगर वो स्ट्राइक देते भी है तो ये उनकी इंसल्ट होगी, मेरी इंसल्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग उसको बुड़ऊ बोलेंगे। उसकी एज 46 इयर्स है, लेकिन वो सलमान खान को दादाजी बोलते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि सलमान खान के साइड में अगर उनको खड़ा कर देंगे, सलमान खान से भी 20 साल बड़े दिखेंगे। खैर, बात करेंगे बुड़ऊ के लेटेस्ट वीडियो की, जिसमें उन्होंने जमकर राधे टाइटल ट्रैक की तो तारीफ की है, लेकिन उन्होंने सलमान खान के ऊपर अपनी जो भड़ास निकाली है, जिसे देखकर आप लोग भी अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई ये कोई अपने पर्सनल चीज़ें निकाल रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। फॉर एग्जांपल, वीडियो के स्टार्ट होते ही उन्होंने बोला म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन जहाँ सलमान खान ने ब्रेसलेट दिखा दिया तो यार ये ब्रेसलेट नहीं दिखाना चाहिए, तो उनको ब्रेसलेट से प्रॉब्लम हो गई। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर सलमान खान अपने उस ब्रेसलेट को ऑक्शन करता है कभी भी इन फ्यूचर में, और उसी ऑक्शन में अगर आप भी खुद को नीलाम करोगे, तो यकीन मानो वो ब्रेसलेट आपसे कई ज़्यादा महंगा बिकेगा, और शायद आपको 2 रुपीस में भी कोई खरीद नहीं पाए, क्योंकि आप खुद को छोड़कर बाकी सबको 2 रुपीस वाला ही समझते हो। चलो, वीडियो आगे बढ़ती है और सलमान खान उस कचरे से, ऐसा वो बुड़ऊ बोल रहे थे, कचरे से टेप रिकॉर्डर निकालते, तो वो उस टेप रिकॉर्डर में भी उनको तकलीफ हो गई। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, तकलीफ़ होना उनका बनता भी है, क्योंकि जो कचरा है, कचरे में से इंसान को कचरा ही निकालना चाहिए। तो उनको दिक्कत ये होगी कि जब मैं हूँ तो मेरे होते हुए सलमान खान कचरे से टेप रिकॉर्डर कैसे निकाल सकता है। तो मैं सलमान खान से इस बार डिसअपॉइंट हुआ कि यार आपके पास वो बुड़ऊ है, हमारे इंडिया के पास वो बुड़ऊ है, तो जब भी कोई इस तरीके की सीन से जहाँ पर हमें कचरे में से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ी जो एकदम बास मारी, जो एकदम गंद फैला रही है, तो यार इस बुड़ऊ को यूज़ करो आप। सीरियसली, जब एक विलन वाला डायरेक्टर यूज़ कर सकते हो तो भाई आप भी कर सकते हो, और ये एकदम परफेक्ट सुटेबल होता है कि यार कचरे में से बुड़ऊ निकल रहा है, ये ऐसा कॉलर पकड़ निकाल रहे हैं, मतलब क्या सीन होता है। ये सीन की वजह से आपका सॉन्ग कहीं से कहीं पहुँच जाता है। फिर उसके अलावा जैसे सॉन्ग आगे बढ़ता है, बुड़ऊ को तकलीफ होती कि यार भाई ने ऐसा कैसे डांस कर दिया, मतलब भाई को इस तरह का डांस नहीं करना चाहिए, या फिर जो कोरियोग्राफर है उन्होंने सही डांस स्टेप्स नहीं दिए। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो बंदा इस तरह का डांस करता हो और वो दूसरे के डांस पे या दूसरों की कोरियोग्राफी पे कमेंट करे, तो क्या आप लोगों को सीरियसली लेना चाहिए? मतलब यार थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ। फिर उसके बाद जैसे वीडियो आगे बढ़ती है तो बुड़ऊ और तारीफ करते हैं सॉन्ग्स की, क्योंकि उनको पता है कि सॉन्ग ब्लॉकबस्टर है, अगर वो तारीफ़ नहीं करेंगे तो ऑडियंस पूरी तरह से उनको पकड़ लेगी। तो वो सॉन्ग की तो तारीफ करें, लेकिन वो सलमान खान से जो उनकी पर्सनल जो राइवलरी है उसको भी वो बरकरार रखें, और फिर वापस से सलमान खान ने टांग उठा दी, अगर पूरी टांग उठाते तो भाई तुम्हारी टांग ही टूट जाती। तो लिटरली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि 55 ईयर्स का हो चुका है सलमान खान, अगर वो अपनी इस एज में इतनी टांग उठा रहे, तो आप अगर 46 ईयर्स के हो, इसकी अगर आधी भी टांग आप उठाओगे ना, तो आपकी कमर भी टूट जाएगी, आपकी हड्डी भी टूट जाएगी, और इस तरह टूटेगी कि उसको जुड़ा भी नहीं पाओगे दोबारा से। सॉन्ग आगे बढ़ती है और वो दिशा पटानी के ऊपर कमेंट करते कि कोरियोग्राफर ने उनको हॉट वे में प्रेजेंट नहीं किया। तो यार एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब सलमान खान स्क्रीन पर होते हैं और उनकी जो क्रेज, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो किसी और को देखना पसंद भी नहीं करते, और ये चीज़ कोरियोग्राफर को भी पता है, ये चीज़ सबको पता है। और ये सॉन्ग में अगर किसी ने किसी को देखा तो वो होते सलमान खान, जिनको बहुत ही ज़बरदस्त वे में, बहुत अच्छी स्वैग में यूज़ किया है। और हाँ, सॉन्ग के बारे में फिर से मैं बता दूँ कि ओवरऑल सॉन्ग की थीम बहुत अच्छी है, मूवी से बहुत ही अच्छी तरह से जा रही है, लेकिन अगर बुड़ऊ बोलता है कि सॉन्ग को मूवी के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि जो जो चीज़ें मूवी में हमें देखने को मिली सॉन्ग में बिल्कुल वैसी सारी चीज़ें देखने को मिलना चाहिए, तो यार उसको तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार बॉलीवुड में 99% जितने भी जो सॉन्ग्स बनते हैं वो मूवी के थीम पर नहीं जाते हैं, वो लोगों को रिलीफ करने के लिए होते हैं, एंटरटेन के लिए होते हैं। अब वही मूवी की सारी चीज़ें अगर सॉन्ग्स में डालेंगे तो फिर सॉन्ग्स आदमी इन्जॉय कैसा करेगा? और बॉलीवुड के आप बहुत बड़े क्रिटिक बनते हो, सॉन्ग को सॉन्ग की तरह लेना चाहिए यार, कुछ भी मतलब जो मर्जी जाए बोल दो, बस ऑडियंस बैठी है सुनने के लिए, भाई जी भाई जी, अरे क्या यार। और हाँ, उस वीडियो में बुड़ऊ ने एक जगह पे गाने भी गाने की कोशिश की है, सीरियसली वो गाना सुनकर मेरे को एक ही चीज़ याद आई कि मैं मुंबई में रहता हूँ, अगर ये बंदा लोकल ट्रेन में भी गाना गाए ना
तो 2 रुपीज़ तो छोड़ो, कोई 1 रुपीज़ भी ना दे यार। तो यार मैं इतने कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि किसी को हेट मत करो। हाँ, अगर चीज़ अच्छी हो तो उसकी तारीफ करो, लेकिन इतने सब्सक्राइबर्स का और अपने बड़े यूट्यूबर होने का ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ यार, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज की ऑडियंस इतनी तो समझदार हो चुकी है। लेकिन अगर जो घू ऑडियंस है, जिनको ऐसा लगता है कि भाई हेट और नेगेटिविटी से ही सब कुछ चलता है और बस हमको मज़े लेना है, किसी को अगर कोई बुरा बुरा तो बस हमको इन्जॉय करना है, तो फिर भाई मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ये डांस मूव जरूर देखो यार।